हेलो वेलकम बैक। आज हम आपको बताएंगे किया कार्निवाल और किया ईवी 9 के बारे में। क्या ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां हैं या नहीं है, रेवल करती हैं डिफेंडर से या वेलफायर से, सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार मेरे चैनल पर आपने विजिट किए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं क्या है, तुमको क्या हो गया है। अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए हैं तो आप क्या लेंगे, क्या कि ईवी 9 लेंगे या वेलफायर लेंगे या डिफेंडर पर शिफ्ट करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किया कि ईवी 6 तो कोई ख़रीद नहीं रहा था, ईवी 9 उन्होंने लॉन्च कर दी 1.3 करोड़ रुपए के एक शोरूम के प्राइस पर। क्या लगता है भारत में सबके पागल हैं, तुमको लगता है किया? बंद कर दो ये सब, तुम करना वरना तुम्हारा दिया बुझ जाएगा। टोयोटा से फोर्ड ट्रैवल करने आया था, वो तो बर्फ़ में लग गया, हिंदुस्तान उसको छोड़ना पड़ गया था। अब तुम ईवी 9 लॉन्च कर रहे हो, तुम थार रॉक्स के कॉम्पिटिशन में कोई गाड़ी उतारो, फोर्थ गुरखा के कॉम्पिटिशन में कोई गाड़ी उतारो, जिमनी के कॉम्पिटिशन में कोई गाड़ी उतारो, स्कॉर्पियन की कॉम्पिटिशन में गाड़ी उतारो, तब तो तुम मार्केट बनाओ धीरे धीरे। जैसे तुम्हारी सेल्टॉस बिकने लगी, सोनी बिकने, उस तरह से आप मार्केट बनाइए। लेकिन कार्निवाल तुम्हारी रेवल करेगी जा करके टोयोटा की वेलफायर से, लेकिन फिर भी वैसा तुम ना कम्फर्ट दे सकते हो ना वैसी रिलायबिलिटी आप दे सकते। वेलफायर 63,90,000 के शुरू प्राइस पे 1 करोड़ के अंदर इंसान ऑन रोड ले लेगा उसको, लेकिन ईवी 9 1.3 करोड़ रुपये एक शोरूम कोई नहीं लेगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख दें। जय हिंद, जय भारत।